मुंबई से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां ऑटो रिक्शा का किराया महज 30 रुपए के लिए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जान से मार दिया और मौके से यह आरोपी फरार हो गया था, मगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम छक्कन अली, उम्र 28 साल है, तो वहीं आरोपी का नाम सैफ जाहिद अली, उम्र 29 साल। दोनों दोस्त थे। वारदात मुंबई के कुर्ला इलाके में हुई, जबकि दोनों यूपी के गोंडा जिले के एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही गांव से दोनों काम के सिलसिले में मुंबई आए थे और एक कपड़े के कारखाने में ये दोनों काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात में दोनों ऑटो रिक्शा से जा रहे थे और 30 रुपए किराए को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। गुस्से में आकर सैफ जाहिद अली ने छक्कन अली को जोर से धक्का दिया और छक्कन अली जमीन पर गिर गया। सर में चोट लगने की वजह से काफी खून बहने लगा और ये सब देखकर सैफ जाहिद अली मौके से फरार हो गया। पुलिस को सड़क के किनारे खून से लथपथ हालत में पड़े एक शख्स की जानकारी मिली और मौके पर पुलिस भी वहां पहुंची। उसे तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान की, मगर आरोपी जाहिद अली गांव भागने की फिराक में था, जिसे कल्याण रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूछताछ में जाहिद अली ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। खुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है, साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce. Managed by Huda English School and Junior College. At Bhandari Compound, near Muthoot Finance, Narpoli, Bhiwandi.